Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning दोस्तों और very 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 happy Sunday. दोस्तों weekly current affairs की शानदार सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है. I hope कि यह सेक्शन आपको बहुत पसंद आता होगा. और यदि आपको पसंद आता है तो आपको क्या करना है, पहला काम करना है आपको कि वीडियो को लाइक करना है, प्लीज थम्स अप, ओके. दूसरा क्या आपको क्या करना है कि वीडियो को अपने कम से कम 3-4 दोस्तों में शेयर करना है, ओके. अभी हाल फिलहाल में मेरे पास एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार आप लोग बहुत कम वीडियो को शेयर करते हो, एकदम न के बराबर. तो प्लीज कम से कम 4-5 दोस्तों के पास वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है. आज के हम इस वीडियो में 6 से 12 दिसंबर के बीच घटित हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो भी 20 मिनट के अंदर, ओके. तो आई होप कि आप लोग 20 मिनट तक अपना कीमती समय हमें दीजिएगा. आपको ज्यादा कुछ करना है नहीं, रजाई में बैठे बैठे क्या करना है, वीडियो को चला दीजिए और वीडियो को ध्यान से सुनिए. और यदि कभी कमेंट करने की जरूरत पड़े तो कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है. तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मैंने क्या क्या बताया, ओके. बस एक रिक्वेस्ट उन सभी लोगों से जो हमारे चैनल पर नए हैं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. और ये बात तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोज अवेलेबल है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है. तो प्लीज आप लोग जाकर विजिट कीजिए चैनल को और उन सभी वीडियोज को देखिए जो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं. आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको कोई भी वीडियो देखना है तो इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है. तो हम लोग शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स को. आज का पहला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा जारी पुस्तक 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज के लेखक कौन है. देखिए अब्दुल कलाम बहुत ही शानदार व्यक्तित्व थे, ये मैंने उस दिन भी बताया था. और अब्दुल कलाम के द्वारा बहुत सारी पुस्तक लिखी हुई है जो आप विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है. उनमें से विंग्स ऑफ फायर, ये सारी पुस्तकें काफी महत्वपूर्ण है, यदि आप चाहो तो पढ़ सकती हो, काफी इंस्पायरेशनल भी है. अब उन पर ए शिवाथुनु पिलाई द्वारा एक पुस्तक लॉन्च किया गया, लिखा गया है, जिसका नाम है 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है. और इस पुस्तक को लॉन्च किया किसने, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, ओके. तो यह प्रश्न काफी शानदार है, पुस्तक का नाम याद रखना है आपको, 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, और इसके लेखक है कौन, डॉक्टर ए शिवाथानु पिलाई, ओके. आप लोग याद रखिएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है. अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ. दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार आयोजित हो रहे बिहार माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल किस जिले में आयोजित किया जाएगा. देखिए अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, जब गर्मी का मौसम आता है, हल्का हल्का जब गर्मी आने लगता है तो बहुत सारे माइग्रेटेड बर्ड आते हैं बिहार में, ठीक है. खासकर कांवर झील पक्षी विहार था ना, कांवर झील बेगूसराय में, वहां बहुत सारे माइग्रेटेड बर्ड्स आते थे. अब हालांकि पॉल्यूशन के कारण कांवर झील जो बेगूसराय का है वो खत्म होते जा रहा है. बिहार का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील में से एक था कांवर झील, जो बेगूसराय का था. तो ये सारी बातें आपको याद रखने की जरूरत है. आई होप कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज पता चला होगा, और यदि नहीं पता चला है तो कोई बात नहीं, आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है. तो कांवर झील पक्षी विहार बेगूसराय में ही है, लेकिन यह जो बिहार माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल जो पहला बार होने वाला है यह भागलपुर में आयोजित होगा, ओके. आप लोग ध्यान रखिएगा. अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, तीसरा प्रश्न को, कि 6 दिसंबर 2020 को बहरीन में सखीर ग्रैंड प्रिक्स के दौरान फॉर्मूला 2 की रेस जीतने वाले पहले भारतीय बनकर किन्होंने इतिहास रच दिया. तो पहली बार कोई भारतीय ने फॉर्मूला 2 का रेस जीता है, उनका नाम है जेहान दारूवाला, ओके. पहले फॉर्मूला 2 का यदि आप रेस जीतिएगा, इसमें बढ़िया कीजिएगा, तो आपको फॉर्मूला 1 रेस में शिफ्ट किया जाएगा, ओके. याद रखिएगा आप लोग. कुछ बात और है, ये देखिए 22 वर्षीय भारतीय F2 चैंपियन मिक सुमाकर और डेनियल टिकटम के खिलाफ रोमांचक लड़ाई के बाद शीर्ष पर उभरा, ओके. फॉर्मूला 2 चैंपियनशिप एक दूसरी स्तरीय एकल सीटर रेसिंग चैंपियनशिप है, ओके. फॉर्मूला 2 सबसे ऊपर में है फॉर्मूला 1, ओके. फॉर्मूला 1 के कुछ ड्राइवर जो बराबर फेमस रहते हैं, बराबर कोई ना कोई जीतते रहते हैं ग्रैंड प्रिक्स को, जिसमें माइकल सुमाकर, वाल्टेरी बोटास, ये सारे आपको याद रखने की जरूरत है. ये सारे देखिए, यदि आपको प्रश्न में कोई पूछ दिया कि कौन फॉर्मूला 1 रेस जीते हैं, अरे जो ऑप्शन में माइकल सुमाकर और वाल्टेरी बोटास में कोई एक है, तो आपको आंख मूंद कर उसे ही मारने की जरूरत है, उसके सिवा अभी ज्यादा कोई रहता नहीं है. और यदि दोनों ऑप्शन में आ गया तब आपको थोड़ा पढ़ने की भी जरूरत है, ठीक है, सिर्फ तुक्का से काम नहीं चलेगा, ओके. अब चौथे प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है. तो रंजीत सिंह दिसाले को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया है. देखिए बहुत सारी बातें हुई कोरोना के वजह से,
कि बहुत सारी बातें क्या हुई कि इसमें से बहुत सारे काम जो ऑफलाइन ही पहले होते थे वो अब ऑनलाइन होने लगे। ठीक है, पहले ऑफलाइन में क्या होता था, मान लीजिए बेस्ट शिक्षक पुरस्कार का आपको ऑडिशन देना है, तो ऑफलाइन में बहुत सारे शिक्षक लाज की वजह से, शर्म की वजह से भी नहीं दे पाते थे, लेकिन जब ऑनलाइन हुआ तो अपने घर में खुद से वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड किए, अपने अचीवमेंट के बारे में बताया, ऐसा कुछ। तो इसी कड़ी में महाराष्ट्र के एक शिक्षक है रंजीत सिंह दिसाले, इन्हें वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया। देखिए यह जो वर्ष है ना 2020, हमें या तो काफी कुछ सिखाता भी है, हमें बहुत सारी जीवन जीने की कला भी सिखाया है, ये बात से आप इसे नकार नहीं सकते। यह 2020 काफी मायनों में बहुत खराब गुजरा, लेकिन जिंदगी जीने के मामलों में यह वर्ष बहुत ही बढ़िया रहा, इससे आप नकार नहीं सकते। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है। तो इस वर्ष जॉन अब्राहम को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, पिछले वर्ष विराट कोहली को, इसी तरह से जो मतलब जानवरों के संरक्षण के लिए बढ़िया बढ़िया काम करते हैं उसको पेटा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप से नामित करता है। ठीक है, तो जॉन अब्राहम को किया गया है 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर, किसके द्वारा, पेटा द्वारा, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है। ठीक है, देखिए अभी कोरोना का वैक्सीन आया नहीं कि सब लोग उस पर राजनीति करने लगे हैं, लेकिन 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 आपको ध्यान रखने की जरूरत है, या अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मंथ के लास्ट तक और अगले मंथ के शुरू तक मतलब जनवरी 2021 में उन सभी लोगों के लिए वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा जो फ्रंट बरियर से कोरोना के। ओके, और हम सब के लिए, आम लोगों के लिए अप्रैल के महीने तक अवेलेबल हो जाएगा। अब कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, कुछ वैक्सीन आने वाली है। ठीक है, आ चुकी है कहने का मतलब कि अब एक महीना में आ जाएगी, तो वो आ ही चुकी है। ठीक है, तो फिनलैंड अभी हाल फिलहाल में यह घोषणा किया है कि हम सभी नागरिकों को फ्री में कोरोना वैक्सीन का टीका देंगे। आपको याद होगा कुछ महीने पहले बिहार में चुनाव चल रहा था, तो उस समय घोषणा किया गया था बिहार चुनाव में भी कि कोरोना वैक्सीन फ्री दिया जाएगा यहाँ पर। ओके, तो देखिए अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए, अपने पार्टी के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए नेता लोग ऐसा घोषणा करते रहते हैं। ठीक है, काफी मायनों में यह सही भी है और काफी कम मायनों में यह गलत भी है। ओके, ध्यान रखिएगा कि अभी हाल फिलहाल में फिनलैंड ने यह घोषणा की है कि यदि हमारे पास कोरोना वैक्सीन आता है तो सबको फ्री में देंगे। ठीक है, और एक बात, जब कोरोना वैक्सीन की चर्चा चली है तो यूके पहला राज्य बन गया, पहला सॉरी देश बन गया क्या, कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला। वो जो पिफर का एक वैक्सीन था ना, पिफर का वो, इसके बाद फिर कनाडा आया सेकेंड नंबर पर। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है। किस बैंक ने, भारतीय स्टेट बैंक ने। ओके, और अब अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, अगला प्रश्न क्या है ये देख लीजिए, तब मैं इस प्रश्न को समझाऊंगा। अगला प्रश्न है कि हर साल भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब सशस्त्र सेना झंडा दिवस से संबंधित एक कोष भी है। ठीक है, भारतीय सशस्त्र सेना कोष है, और उसमें मैंने अभी आपको बताया भारतीय स्टेट बैंक ने 10 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। ओके, तो ये तीनों बातें आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, उसके पहले थोड़ा सा और भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस के बारे में जानेंगे हम लोग कि वार्षिक दिवस शहीदों और हमारे देश के सैनिकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। क्या, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ओके, और बात जानिए, इसकी शुरुआत 28 अगस्त 1949 को तत्कालीन रक्षा मंत्री बलदेव सिंह के अधीन हुआ था। ओके, अब थोड़ा सा एक बात और मैं बता दूं, एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे बराबर प्रश्न पूछा जाता है, रेलवे वगैरह में यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, मोस्टली बार पूछा जाता है। प्रश्न है कि भारत के सबसे पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो भारत के सबसे पहले रक्षा मंत्री कौन थे, इसे बस आपको एक सेकेंड में याद करवा दूंगा मैं। ट्रिक क्या है कि रक्षा आपकी कौन करेगा, हाँ, आपकी रक्षा वही करेगा जिसके पास बल होगा। ठीक है, रक्षा आपकी कौन करेगा, जिसके पास बल होगा। तो इससे आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह थे। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रजा फाउंडेशन ने हाल ही में शहरी शासन सूचकांक जारी किया है, सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। प्रजा फाउंडेशन द्वारा शहरी शासन सूचकांक जारी किया गया है, और इसमें जो है उड़ीसा राज्य टॉप पर है। शहरी शासन सूचकांक के मतलब जो भी अमुक राज्य में, मतलब कोई राज्य में उसके जितने भी शहर है उसमें कौन बढ़िया से उसका प्रशासन किया है, देखभाल किया है,
कि शहर का प्रशासन ज्यादा बढ़िया से हुआ है, तो उसमें उड़ीसा राज्य का प्रशासन, शहर प्रशासन बहुत ही बढ़िया तरीके से रहा है। ठीक है, अब देखिए, उड़ीसा इस राज्य की सूची में सबसे ऊपर है और मणिपुर और नागालैंड सबसे नीचे है। ठीक है, शहरी शासन सूचकांक, शहरी प्रशासन सूचकांक के अनुसार महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा था, और सूची में दिल्ली 13वें स्थान पर है। ये सब आपको याद नहीं रखना है, बस उड़ीसा के बारे में ही पूछ दे तो यह काफी है। ओके, अब देखिए नागालैंड के बात आई है यहाँ पर, तो नागालैंड का थोड़ा सा मैं एक पॉइंट बता दूंगा। अभी हाल फिलहाल में खत्म हुआ है, क्या खत्म हुआ है, 1 से 10 दिसंबर तक प्रत्येक साल यहाँ हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, और यह हॉर्नबिल फेस्टिवल आपसे बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, कहाँ, नागालैंड में, याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग कि फोर्ब्स की तरफ से जारी सब पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो एंजेला मर्केल, आप लोगों ने नाम अवश्य सुना होगा, जी हाँ, जर्मनी की चांसलर है, तो इन्हें लगातार 10वीं बार फोर्ब्स के द्वारा जारी सब पावरफुल वुमेन लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, लगातार 10वीं बार है, बहुत ही मोस्ट पावरफुल वुमेन है फोर्ब्स की तरफ से जो जारी किया गया लिस्ट उसमें। ओके, और कुछ ज्यादा इसमें बताने को है नहीं। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 के लिए वेबसाइट का शुभारंभ किसने किया है। तो श्री बी मुरलीधरन द्वारा किया गया 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 के लिए एक वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। वेबसाइट क्या है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा, प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है प्रवासी दिवस, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये बात तो आपको याद होगी। क्यों मनाया जाता है ये बात भी आपको पता होगी, जी हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस जो है गांधी जी से संबंधित है। ठीक है, उन्होंने ही प्रवासी भाइयों के लिए यह दिवस मनाने की संकल्पना की थी और इसे बाद में साकार किया गया। ओके, तो ये बात थी, आपको याद रखने की जरूरत है, याद रखिएगा। अच्छा, आपको एक किस्सा याद होगा, 90s के समय में, 1999 2000 के समय में एक आर्थिक मंदी आई थी, तो उसमें प्रवासी भाइयों ने काफी मदद की थी हम लोगों को, हम लोगों को कुछ पैसे चाहिए था। ठीक है, सॉरी, 1999 में नहीं, जब हम लोग अपना प्रक्षेपण कर रहे थे, ठीक है, हम लोग अपना उपग्रह को नहीं, हम लोग मिसाइल को चेक कर रहे थे। ठीक है, उस समय हमें पैसे की जरूरत थी और अमेरिका हमें पैसे दे नहीं रहा था, या कोई भी राष्ट्र हमें पैसे दे नहीं रहा था, तो उस समय प्रवासी लोग, प्रवासी जितने भी भाई बहन थे, उन्होंने काफी हेल्प की थी और देश के पास काफी सारा पैसा इकट्ठा हो गया था। ठीक है, और किसी को पता भी नहीं चल पाया कि कैसे, तो काफी महत्वपूर्ण है इन लोगों से हमें संबंध बनाए रखना, और इसीलिए हर एक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखिए कि हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया। तो चीन ने, चीन हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करते रहता है, अब यह क्या किया है, कृत्रिम सूर्य बना लिया है। इसका मतलब क्या है, यह सही में सूर्य थोड़े बनाया है, यह एक ऊर्जा का ऐसा विशाल भंडार बना दिया है जो इतना चमकता है और उसमें इतना एनर्जी है, इसलिए उसको कृत्रिम सूर्य कहा जाता है। ओके, और ज्यादा कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है यह। अच्छा देखिए, और उसमें कुछ बातें हैं कि चीन के वैज्ञानिक ने कृत्रिम सूरज परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक कर दुनिया में दूसरे सूरज के दावे को सच कर दिखाया है। मेन रूप से यह क्या है, परमाणु संलयन रिएक्टर है। ठीक है, और इस परमाणु रिएक्टर से हमें स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होने की उम्मीद है। ओके, मतलब यह ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है सिंपली शब्दों में। अब अगले प्रश्न को आप लोग देखिए, प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड। देखिए, आपको कोई भी बैंक है, ठीक है, आपको कंटिन्यू रखने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, यदि आप उस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं कीजिएगा, RBI द्वारा जारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कीजिएगा, तो आपके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी में हाल फिलहाल कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड जो कि महाराष्ट्र में है, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। लेकिन इसके जितने भी कस्टमर थे, ठीक है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसका जितना भी नकदी जमा है, जो भी जमा है, वो सब उसको मिल जाएगा, ऐसा RBI ने कहा है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है जिसमें बैग का भार निम्न में से कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। देखिए, यह बहुत बढ़िया काम है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो पॉलिसी जारी किया गया है इसमें कहा गया है कि मैक्सिमम बैग का भार जो होगा 5 किलो का होगा। ठीक है, 5 किलो का होगा, यह भी रेशियो से बटा हुआ है। ठीक है, यदि आप UKG LKG 1 का बच्चा है तो आपका 2 किलो 3 किलो ऐसा करके बटा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो वेट होगा वो 5 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होगा, बहुत बढ़िया है। यदि आप लोग बहुत बड़े 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 स्कूलों के बच्चों को देखते होंगे, तो यदि उनका वजन 25 किलो का है मान लीजिए, तो उनके बैग का वजन 10 से 15 किलो के आसपास होता था, तो यह बहुत बढ़िया काम किया है सरकार ने, अब देखते हैं कि यह कहां तक फॉलो हो पाता है। ओके, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है,
कि गूगल इंडिया के अनुसार 2020 का सबसे ज्यादा सर्च किया हुआ शब्द क्या है, तो कोरोना वायरस को भी पीछे छोड़कर आईपीएल टॉप पर है, सेकेंड पर कोरोना वायरस है, थर्ड पर यूएस इलेक्शन रिजल्ट है और फोर्थ पर बिहार इलेक्शन रिजल्ट है। ठीक है, गूगल इंडिया में सबसे ज्यादा सर्च किया हुआ। ओके, टॉप ट्रेंडिंग पर्सनालिटीज इन इंडिया की बात करें तो सबसे टॉप पर जो बाइडेन है और सेकेंड पर अर्णब गोस्वामी है। ठीक है, और टॉप सर्च न्यूज इवेंट्स इन इंडिया की बात कर ले तो आईपीएल ही टॉप पर है, और टॉप ट्रेंडिंग मूवीज ऑफ 2020 दिल बेचारा, ऑब्वियसली यह होना ही चाहिए। ठीक है, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, बाकी बहुत सारी बातें उस समय डिस्कस की गई थी जिस समय यह आपको प्रश्न पढ़ाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि dictionary.com ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है, तो dictionary.com द्वारा पैंडेमिक को इस साल का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे किया गया था, क्वारंटाइन को। ओके, और एक और किसने मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग चाहे तो कमेंट करके जवाब दे सकते हो। एक और ओंकले यूनिवर्सिटी शायद था, उसने कुछ और वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। ठीक है, अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं आया है, वो आएगा तब उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो पार्थिव पटेल इंडिया के विकेट कीपर बैट्समैन थे, यदि आपको पता हो आईपीएल में आरसीबी की तरफ से खेलते थे, इन्होंने हाल फिलहाल में संन्यास की घोषणा की है सभी प्रारूपों से। ठीक है, और ज्यादा कुछ इनके बारे में नहीं बताना है, ये 35 ईयर ओल्ड के थे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, इन्होंने 25 टेस्ट 38 ओडीआई और 2 टी20 खेले थे इंडिया की ओर से। ठीक है, इन्होंने अपना लास्ट मैच 2018 में खेला था टेस्ट मैच, ठीक है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं 18वें प्रश्न को, कि निम्नलिखित में से 2020 में पुरुष और महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर कौन है। ठीक है, तो मोंडो डुप्लांटिस और यूलिमार रोजास, ये दोनों क्रमशः पुरुष और महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर है। ठीक है, अब देखिए कौन कहाँ के, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। स्वीडिश पोल वाल्टर मोंडो डुप्लांटिस और वेनेजुएला के ट्रिपल जंपर यूलिमार रोजास 2020 पुरुष और महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर है। ठीक है, ये पुरुष है, मोंडो डुप्लांटिस पुरुष है और यूलिमार रोजास महिला है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, अब 19वें प्रश्न को देखेंगे, वो उतना इंपॉर्टेंट प्रश्न था नहीं, लेकिन कभी कभी जब प्रश्न की कमी हो जाती है या बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम्स होने लगते हैं तो प्रश्न में कुछ भी दिया जाता है। ठीक है, कुछ भी का मतलब कुछ भी। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया। तो नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन हुआ था, आप लोग जरूर देखे होंगे। देखिए, जो पुराना बिल्डिंग है पार्लियामेंट का, इसे एडमिन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था, ये बात तो आपको पता होगी। अब नया बिल्डिंग किसके द्वारा क्या किया गया है, जब उस बिल्डिंग का उद्घाटन किया जाएगा तब और बहुत सारी बातें आपको पता चलेगी। इस नया बिल्डिंग में क्या होने वाला है, अभी वाला संसद भवन गोल है, तो ये वाला संसद भवन जो रहेगा त्रिभुजाकार रहेगा। ठीक है, इसमें जितनी सीटिंग क्षमता है तो इससे 150% अधिक सीटिंग क्षमता इसमें होगी। ठीक है, यह 100 साल पुराना था तो यह भी इस तरह से बनाया जाएगा कि अगले 150 साल तक की हर एक जरूरत पूरा कर सके यह बिल्डिंग। ठीक है, तो ये कुछ न्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में जो मैंने आपको बताया, और यह कितने एकड़ में फैला रहेगा यह आपको जानने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है कि हर साल मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे। कोई बातें हुई, कुछ बातें हुई, बहुत सारे लोग ह्यूमन राइट्स को लेकर चर्चा करने लग जाते हैं, तो पहले आप लोग ये जानिए कि ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था, और यह दिन सभी लोगों के मौलिक मानवाधिकारों और उसकी बुनियादी मानव स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब है यह दिवस 1948 से ही मनाया जाता है। दिवस का नाम याद रखिएगा मानवाधिकार दिवस, और हर एक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यदि दिसंबर में कोई एग्जाम्स होंगे तो उसमें यह प्रश्न 100% पूछा जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखिए कि भारत सरकार ने देश भर में पब्लिक इंटरनेट के लिए किस योजना को ऐलान किया है। पीएम वाणी नामक योजना लॉन्च किया गया है। ठीक है, किनके द्वारा, मोदी जी के द्वारा। यह योजना के तहत आप सभी लोगों को इंटरनेट मिलेगा फ्री में। अब आपको क्या करना है, पीएम का जो वाणी योजना है, पीएम वाणी, तो वाणी का कुछ फुल फॉर्म होता है, ऐसे ही योजना नहीं होता है, उसका कुछ फुल फॉर्म होता है, उसे शॉर्ट करके योजना का नाम रखा जाता है। तो आप लोग वाणी का फुल फॉर्म बताइए, ये आपका आज का टास्क रहा, इसे कमेंट करके जवाब दीजिए। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का जवाब आता है, पता नहीं बहुत कम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं क्यों। ओके, तो आप लोग जवाब दीजिए, हम अगले प्रश्न को देखते हैं।
कि हाल ही में इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अन्निका सोरेनस्टम को इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, जिसे शॉर्ट में IGF भी बोला जाता है, का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ओके, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का खोज 1958 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लॉसाने में है। ओके, अब गोल्फ जो है 2016 में 112 साल बाद फिर से ओलंपिक का गेम बन गया था। ठीक है, बीच में इसे हटा दिया गया था, लेकिन फिर से 112 साल बाद इसे ओलंपिक का गेम के रूप में मान्यता प्रदान की गई। और जब ओलंपिक की बात आई है, तो एक बात और जो हाल फिलहाल में हुई है आपको याद रखने की जरूरत है, ब्रेक डांस। ब्रेक डांस को सम्मिलित किया गया है एक न्यू गेम के रूप में ओलंपिक में। ओके, अगले प्रश्न को देखेंगे कि फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किन्हें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया है? ठीक है, तो बजरंग पुनिया रेसलिंग इनसे संबंधित है, आपको पता होगा ये रेसलिंग करते हैं, और इले बेनिल बालरिवन को जो कि शूटिंग से संबंधित है, ये दोनों को इस वर्ष स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड के द्वारा। ओके, और ज्यादा कुछ इसमें बताने को हो नहीं। हाँ, एक बात और बताना है मुझे, मैं भूल गया, इनका आप लोग याद रखिएगा कि ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, इला वेनिल बालारिवन जो है ये किस खेल से संबंधित है, इनका आपको याद रखने की जरूरत है। ओके, क्योंकि अब यह प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो यह शूटिंग से संबंधित है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इनका शानदार यह वर्ष रहा इसलिए इन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, 24वें प्रश्न को, कि 2020 रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस पुरस्कार के विजेता कौन है? तो कैरोलिना अराजुओ यह विजेता है किसके, 2020 रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस के। एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैथमेटिक्स की बात आई है, जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, उसी तरह मैथमेटिक्स का नोबेल एबल पुरस्कार को बोला जाता है। ठीक है, किसे? एबल पुरस्कार को। आप लोगों को कमेंट करके जवाब देना है कि इस वर्ष का एबल पुरस्कार किसे मिला, और यदि अभी तक इस वर्ष में यह पुरस्कार मिला नहीं है, तो 2019 में एबल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, यह पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। ओके, इसलिए यह प्रश्न आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, किस इंडियन सेलिब्रिटी ने 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो नन अदर देन सोनू सूद, यही अभी प्राप्त कर ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन है, सोनू सूद है। खासकर इंडियंस के लिए, घर जाना हो सोनू सूद, कहीं बाहर अटके हुए सोनू सूद, पैर का इलाज करवाना है सोनू सूद, आंख का इलाज करवाना है सोनू सूद, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का आप लोग सिनोनिम्स बोल सकते हैं सोनू सूद को। ठीक है, सोनू सूद द्वारा बहुत सारे ऐसे काम किए गए हैं जो प्रशंसनीय भी है, और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। ठीक है, तो यह कुछ बातें हैं, आप अगले प्रश्न को देखूंगा, आप उन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? ठीक है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म पहले जानिए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। देखिए, यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है उसका नाम कुछ चेंज किया गया है। ठीक है, क्या चेंज किया गया है ये आप लोग देख लीजिएगा, मैं बताता हूँ, इसमें से कुछ अक्षर हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसे चूंकि यह काफी पॉपुलर हो चुका है यूनिसेफ, तो नाम यूनिसेफ रखा गया है, लेकिन अब उसका फुल फॉर्म कुछ चेंज हो गया है। अब क्या चेंज हुआ है आप लोग सर्च करके गूगल पर देख लो, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग कुछ करते नहीं हो, कम से कम सर्च के बहाने पढ़ोगे तो सही। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे सेलिब्रेट किया जाता है, और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, और अभी यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? हेनरिएटा एच फोर है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो जेना बेल्ड्रिज को विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यदि आपको कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो हमारी, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, अब ज्यादा नहीं, 2 या 3 प्रश्न होंगे। अगला प्रश्न है कि टाइम्स मैगजीन द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से किसे नामित किया गया है? चूंकि यह वर्ष समाप्त होने को है, तो जितने भी मैगजीन्स है, जितने भी डिक्शनरी है, अपना बर्ड ऑफ द ईयर बताएगा, बहुत सारे मैगजीन्स को अपने पर्सन ऑफ द अवार्ड देगा। ठीक है, फोर्ब्स द्वारा इस साल में जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे उसके लिस्ट जारी किया जाएगा, ये सारे काम होते रहेंगे। ठीक है, तो टाइम्स मैगजीन द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 में कमला हैरिस और जो बाइडेन को रखा गया है, और ये दोनों को रखा जाना बहुत सही है क्योंकि ये दोनों इस वर्ष काफी पॉपुलर रहे। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखेंगे, अब ज्यादा कुछ नहीं था इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन द्वारा फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान की सराहना की है? देखिए, फिट इंडिया मूवमेंट के तहत भारत में चलाया गया था यह फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। ठीक है,
और इसकी सराहना की गई है किसके द्वारा, WHO के द्वारा। WHO का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके द्वारा यह सराहना की गई इस अभियान की, ठीक है। इसकी कुछ और बातें पढ़िए आप लोग, कि अभियान शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इसकी पहल के लिए अपलोड किया गया है। अभियान को फिट इंडिया मूवमेंट के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। इसे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लॉन्च किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जो नितिन गडकरी के पास है, उन्होंने पटना और आरा के बीच लाइफलाइन कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है, यह किस नदी पर है? तो अभी हाल में सोन नदी पर यह पुल बनाया गया है, ठीक है, और इसका उद्घाटन किया गया किनके द्वारा, नितिन गडकरी के द्वारा। यह कोइलवर पुल है और किस नदी पर है, सोन नदी पर है। अब ज्यादा कुछ बताना है नहीं इसके बारे में, आप सभी को पता होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे जो आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसने जीता है? तो राजकमल झा को मिला है यह पुरस्कार, ओके। हर एक वर्ष यह पुरस्कार किन्हीं न किन्हीं को दिया जाता है और इस वर्ष का यह अवार्ड राजकमल झा को मिला है। आपको क्या करना है, उस बुक का नाम बताना है जिस बुक के लिए यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आई होप आप वो उस बुक को सर्च करके जरूर हमें कमेंट कीजिएगा, ओके। तो यह था आज का सेशन, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और वीडियो को लाइक करने के बाद क्या करना है, कुछ दोस्तों में अपने आप को और इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि आप लोग करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करते हो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा, मिलता हूँ आपसे अगले वीक अगले करंट अफेयर्स के रिवाइंड में, ओके। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।